सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ प्रखंड में लगे मुखिया के द्वारा बिजली पोल में लगे लाइट की स्थिति इन दिनों बहुत खराब है। ज्ञात हो कि पूरे बालूमाथ में लगे लाइट लगते ही तुरंत आधे से अधिक लाइट खराब हो गए, वहीं कुछ जलते भी नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। एक लाइट लगी भी तो वह भी कामयाब नहीं हुई। वहीं जिस पोल पर लाइट लगी है उसकी ऊंचाई भी बहुत है, बिना सीढ़ी के उसे बुझाया नहीं जा सकता है। साथ ही कई मोहल्लों में तो लाइट लगी भी नहीं है, जो पूर्व की भांति अंधेरे में है। वहीं ग्रामीणों ने लगी हुई लाइट की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। उस पोल का लाइट लगभग बल्ब है सो फ्यूज हो चुका है लाइट, और वो उसका जो वायर दिया हुआ है स्विच जो दिया गया है वो इतना ऊंचाई पे है कि बिना वो एक दो आदमी या सीढ़ी के द्वारा पहुंच स्विच भी नहीं कर सकता, और 24 आवर वो चलते रहता है, जिसके कारण कि वो फ्यूज बहुत जगह फ्यूज हो चुका है और बहुत हद तक जल चुका है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और इस पर थोड़ा ध्यान दिया, हर पोल में बल्ब भी नहीं लगा हुआ है। इसमें है कि वह बल्ब को अच्छा लगाया जाए, क्वालिटी वाला लगाया जाए, और जो स्विच है वो इतना नीचे लगाया जाए कि दिन में कोई भी उसे स्विच कर दिया जा सके, ऑफ कर दिया जा सके, और वह इतना ऊंचाई पे है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, आम आदमी उसमें पहुंच नहीं सकता बिना सीढ़ी के द्वारा, तो उस पर कंट्रोल किया जाए, यही मांग है कि वो पूरा करे। उसको क्वालिटी की कमी है, एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटी जो मिलना चाहिए जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम उसमें भी है कि 440 वायर उसमें जुड़ा हुआ है, कि जब तक ये 220 का नहीं रहेगा तब तक जलेगा नहीं, वायर की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है, इसके चलते लोग जल रहा है। नाना मैम डी आमिर आया हुआ राज्यसभा सांसद का दिन भी बालू।